करना है और इसमें वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क। देखो बिल्कुल सिंपल है, देखो थ्री को यहाँ पे थ्री से कैंसिल कर देते हैं, टू और टू कितना होता है फोर, ये फोर चला गया, थ्री को कैंसिल कर दिया जाए सिक्स के साथ तो ये आ जाएगा टू, और टू से कैंसिल कर दिया जाए तो नीचे आ जाएगा फोर, मतलब कि हमारे पास ऊपर बचता है वन और नीचे बचता है फोर, और वन अपॉन फोर जो है ये होता है 0.25, ये हमारा आंसर आ गया जी 0.25, ऑप्शन है ए, ये इसका राइट आंसर है।